अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, बोले यहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा की नफरत की राजनीति सफल नहीं हो सकती है। दिल्ली देश की राजधानी और वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी भाजपा का जनता के निर्णय के सामने टिक ना पाना एक करारा सबक है। इस जनादेश का संदेश पूरे देश में जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा झूठा है। अखिलेश यादव ने लिखित में जारी अपने बयान में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने धोखा देकर केंद्र में तो अपनी सरकार बना ली, लेकिन एक साल के अंदर ही दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय विकास के पक्ष में दिया है। भाजपा का पूरा श्रेय नित्य भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पार्टी को जिताने में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिकता के विरोध में मतदान किया। जबकि CAA, NRC, NPR भी भाजपा की पराजय के कारणों में शामिल है। संपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का समाज में नफरत के जरिए ध्रुवीकरण करके मतदान करने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करना है। भाजपा को इससे बाज आना चाहिए। ये भी स्पष्ट है कि भाजपा किसी भी बाघ को उजाड़ने की ताकत नहीं रखती है। लोकतंत्र में भारतीय समाज का बाघ फलता फूलता रहेगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों का एक रोचक पहलू ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा के स्टार प्रचारक बने घूमते रहे। यहाँ जहाँ प्रचार में गए भाजपा का बंटाधार हो गया। उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ भाजपा का सूपड़ा साफ। यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी वह जहाँ प्रचार करने गए थे वहाँ भी उनका यही रिकॉर्ड रहा। भाजपा के छल प्रपंच को उन जनता अच्छी तरह समझ गई है और भविष्य में भी भाजपा की जान से की राजनीति कामयाब नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।